διαβόλικα. Δεν στα πάθα. Αυτό θα έχει πέσει τα πάθα. Pode chegar sem programa. Chegou a cabeça de ouro, pode ficar mais tias a escar, não, se isso aí, cara. Olha, o que você está fazendo? Olha, depois de uma luta, eu tenho até quatro sete lá. Tu já ia nos cair até o número de porta, né? E a Iga já vai nos ir para. Afnos. E. De porta, já nos ir. E o número de uma coisa legal. E até pode ser que isso não é escangue. इसी टाइम का तर बनाये ये आइटम मोनो याद में ये इलेक्ट्रॉनिक याद मस याद मस ये शो सिंपल अगर नवार इस पे ना ये पे नवार वैसे बच्चस दाईज ना आती की ये शो याद कांग्रेस ये पता है तो ये शो नवार का इसमें गर्मी ये आब ये नार सही था ये बस तो उनको तेरे साथ सुहूक अत्लाव उनकी ही ताकि हार पतलों में तायर हों ताकि कंसेप्ट हार न ये मतलब सॉरी ऑटोमेटिक में जो वर्ग में इजी वर्ग में या तो मज़े कहाँ थी ऐसे पर काम करे ये शुद्ध तो मतलब नहीं है ये शुद्ध मतलब एनआईटी वाला ये शुद्ध यूसिफ्ट एनआईटी आप कोरा मारता है जी मैंने काफी की है अब सारी याद तो भी नहीं है लेकिन मेरे पास लिस्ट है वो बनाए हैं मैंने तो सबसे पहले मैंने जो बनाया है वो 1979 से पहले पहले जो बनाए हैं मैंने चीज़ें एक तो रेडियो स्टेशन बनाया था और एक स्टार्टर में एक चेंज की थी हमने जो मशीनों में स्टार्टर होते थे इधर उनमें प्रॉब्लम ओवरलोड पर कट ट्रिप नहीं करते थे पूरा मतलब उनमें प्रॉब्लम आती थी मतलब एक्यूरेट ट्रिप नहीं करते थे एक्यूरेट जब ओवरलोड हो जाता था थोड़ा सा तो ट्रिप नहीं बहुत ज़्यादा जब हो जाता तब वो ट्रिप करते थे हमने एक आइटम बनाया मगर उसके साथ मेरा एक दोस्त था दिलीप कुमार था उसका नाम कश्मीरी पंडित था हमने एक आइटम दोनों ने बनाया वो उस मोटर को ओवरलोड पर ट्रिप कराता था और एक्यूरेट जो ही उसको वो ओवरलोड होता था और थोड़ी सी हीट उसमें हो जाती थी तो वो ट्रिप करता था तो वो हम उस वक्त उस दौर में हमने वो बनाया फिर मैंने उससे पहले मैंने रेडियो स्टेशन बनाया था उससे पहले मैंने रेडियो स्टेशन बनाया था और भी कुछ चीज़ बनाए थे फिर मैंने 1983-84 में बनाया था ये 84 में रिमोट का वो छोटा मोटा कार एक बनाया था रिमोट पर चलती थी वो रिमोट का कंसेप्ट उस वक्त नहीं था क्योंकि उस वक्त रिमोट में कोई आइटम इधर कश्मीर में नहीं था आम नहीं हुआ था रिमोट का कंसेप्ट पहले पहले उस वक्त आया था 84 में तो वो बनाया था फिर कोविड जब हो गया तो मुझे आइडिया आ गया तो कोविड में कुछ ना कुछ दे देंगे इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करेंगे तो सबसे पहले वो सैनिटाइजर बनाया मैंने फिर डिसइंफेक्शन टनल बनाया फिर वेंटिलेटर बनाया क्योंकि पेशेंट को वेंटिलेटर पर चढ़ाते थे उसको वो पंप के लिए कोई नहीं होता था उधर बेटे को बाप नहीं जाता था बाप को बेटा नहीं जाता था उधर ये प्रॉब्लम थी फिर वो बनाया मैंने फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चाइना से आना बंद हो गया इधर शॉर्टेज होगी तो मैंने फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी बनाया वो काफ़ी अप्रिशिएट हो गया उसमें अवार्ड भी काफ़ी इन आइटमों में मुझे मिले सर्टिफिकेट्स मिले कैश अवार्ड भी थोड़ा मिला कांगड़ी में जो इस वक्त चेंज है एक तो उसमें मैंने वो करेगा वाटर बोतल का भी काम कई की कांगड़ी ही वाटर बोतल का काम भी करेगा कांगड़ी का भी काम करेगा कूलर का भी काम करेगा ठीक है और हीटर का भी काम करेगा ठीक है और ब्लावर का भी काम करेगा ठीक है और इसमें क्या है इसमें कूलर का काम कैसे इस पावर के बगैर और पावर इसमें नहीं जाएगा कोई बैटरी नहीं लगेगी पावर के बगैर ये काम करेगा कूलर हीटर ऑलरेडी आग से तो हीट होती है तो कूलर भी करेगा तो और उसमें क्या है कि सेफ्टी है कोई खतरा नहीं है गिरेगा इस तरह बच्चा किसी का कपड़ा नहीं जाएगा उसमें किसी का नुकसान नहीं हो जाएगा किसी का बिस्तर नहीं बैटिंग नहीं कुछ नहीं नुकसान हो जाएगा उसमें सेफ है पूरा इसमें ये चेंजेस है अगर ये सही बात है
ये हम जब पढ़ते थे रे पीयूसी में, साइंस का मुझे काफ़ी शौक था और हर एक पॉइंट पर मैं मतलब डिस्कशन भी करता था और उसको समझने की कोशिश भी करता था, इसलिए डिस्कशन भी होता था। तो ये खाली नहीं कि बस किसी को क्वेश्चन करना, नहीं। और उसी वजह से मुझे उस्ताद था, उसने मुझे न्यूटन का नाम दिया, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन के अलावा पर उसके साथ काफ़ी डिस्कशन हो रही थी मेरी।